गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग हेडिंग देख सकते हैं, 24,000 बंगाल टीचर्स टू लॉस जॉब आफ्टर द हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन द इलीगल हायरिंग। यानी वेस्ट बंगाल सर्विस कमीशन की तरफ से जो कि 2016 में रिक्रूटमेंट हुआ था, उसमें 24,000 टीचरों का जॉब लॉस हो सकता है। इसका ओवरव्यू क्या है देख लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। इन शॉर्ट, इलीगली रिक्रूट टीचर्स टू रिटर्न सैलरीज विद इन 4 मंथ। यानी जो 24,000 जो टीचर हैं जिनका जॉब लॉस हो चुका है, वो लोग 4 हफ्ते के अंदर अपना पैसा को रिटर्न करेंगे। दूसरा, ऑल अपॉइंटमेंट्स थ्रू द 2016 स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम कैंसिल्ड। जितना सारा एग्ज़ाम्स हुआ है, सब एग्ज़ाम को कैंसिल किया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ऑर्डर्स री इवेलुएशन ऑफ 23 लाख OMR शीट्स। कोर्ट ये ऑर्डर दिया है कमीशन को, वो 23 लाख जो OMR शीट्स है उसको दोबारा रिवेलुएट किया जाए। तो एक बड़ा न्यूज़ है फॉर WBSEC। इसका ओवर भी क्या है और डिटेल्स देख लेते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ऑन मंडे कैंसिल द एंटायर 2016 रिक्रूटमेंट पैनल फॉर द स्कूल टीचर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन इन द केस ऑफ जॉब स्कैम। ओके, जॉब स्कैम के केस में वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सर्विस कमीशन से जितने सारे रिक्रूट टीचर हुए थे, इन सभी टीचर्स का जॉब लॉस हो जाएगा। नियरली 24,000 टीचर्स जॉब्स हैव बीन डिसमिस्ड बाई द कोर्ट। और ये कोर्ट के जरिए तो 24,000 टीचर्स का जॉब डिसमिस कर दिया गया है। During the hearing, a division bench comprising the justice Divangshu Bashak and Mohammad Shabbar Rashidi said that school teachers who were recruited illegally, blank OMR sheets will need to give back their salaries within the 4 weeks. और ये उन लोगों को OMR sheets भी क्या किए गए, OMR sheets कैंसिल कर दिया गया है या रीएवेलुएट किया जाएगा, और 4 हफ्ते के अंदर सैलरी को दोबारा इन लोगों को जमा करना होगा। तो एक बड़ा स्कैम है, ये केस बहुत दिन से चला जा रहा था, 2016 में ये रिक्रूटमेंट आया था और अब तक इसका फाइनल डिसीजन आज हो चुका है। अब देखिए इस पर गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगा, जो टीचर्स ऑलरेडी रिक्रूट हो गए हैं, 24,000 टीचर्स का जॉब लॉस हो चुका है और लोग अपना सैलरी जमा करेंगे और उन लोगों को OMR शीट्स फिर से रिवेलुएट किया जाएगा। तो एक बड़ा न्यूज़ था वो कलकत्ता हाई कोर्ट्स। देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।